अस्सलाम वालेकुम जिम्मेदार एग्री फार्म तो अब्दुल बासित की हाल वाल उम्मीद है जी सब दोस्त खैर वाफियत होंगे। अज असी महरान एग्रो फार्म से आए हैं तो उत्थे माशाल्लाह रेन इरीगेशन सिस्टम गन चलाई है अज दे ट्रायल ते चला रहे हैं तो तुहानू इहदे बारे दसांगे। माशाल्लाह गन बहुत जबरदस्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है साडी तवक्कात तो भी ज़्यादा अच्छी इन्हें परफॉर्मेंस दिखा रही है। जिसरे तक पानी सिस्टम का अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन कोई 300 फुट तक की पानी की थ्रो जा रही है। NARC जीवन गार्लिक लहसन की फील्ड है जिदे असं चला रहे हैं। मेन है साड़ा फरवरी तो मार्च अप्रैल जी हीट वेव आती है उन्होंने कम कर ली इंशाल्लाह रेन इरीगेशन सिस्टम असी NARC जीवन लहसन वास्ते तैयार करवाइए गन इंशाल्लाह दी फसल तो इस दफा इनू इस तरह रेन बारिश करवा के मौसमी तरीके हीट कम की जाएगी फसल की ताकि फसल की परफॉर्मेंस फसल तो गाओ फसल की साइज बहुत अच्छा बन सके। जैसे कि तुम देख रहे हो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त यदि गन तो लैके जिस जिक्र पानी की थ्रो जा रही है सब जगह एक जैसा बिल्कुल इक्वल पानी लग रहा है क्योंकि ये अंदर बिल्कुल पानी तोड़ने वास्ते अगर सिस्टम लगा है। जैसा कि तुम वीडियो तुम देख रहे हो गए नीचे गेयर सिस्टम लगा है वह ऑटोमैटिक चारों साइडों राउंड घूमती है ये कोई मतलब हद का कमाल नहीं है खुद बखुद तरीके घूमती हुई है। फिर अंदर बड़े जबरदस्त ऑप्शन है जैसा कि तुम स्टॉप कराना चाहिए उत्थे स्टॉप हो जाती है जिस जगह तो असं मतलब शुरू करवाना चाहिए उतों ही दोबारा शुरू हो जाती है। इसी तरह स्टॉप करके टर्न घुमा रहे हैं ताकि ये वापस बैक साइड तो यह जी जिस चीज़ ने ऑपरेट को उस टाइम वीडियो नहीं बना सके लिहाजा बाद चो तुम चीज़ दिखा रहे हैं कि यह चीज़ मैं इन चला रहे हैं। एक साइड पर पंखा लगा है वा जिहड़ा आप बोर च लगाने तुम सर शाफड़ के थ्रू इनू ट्रैक्टर असं ऑपरेट करते हैं। जैसे कि तुम कुछ पाइप भी नज़र आ रहे हैं एक पाइप सैक्शन वास्ते खाली चेट रहे हैं दूसरा जो रेन गन लग रहा है। यह पंखा जी जिन जो इन लगे है यह शाफड़ है जी जी पुली घूमती है जिदा पंखा घूम के तो फिर प्रैशर क्रिएट होंगे ट्रैक्टर असं इन चलाने जी